हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेम नारंग। हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है जंतु की संरचना एवं कार्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो इसका आंसर है ए व्हिटेकर। आरएच व्हिटेकर ने जीवधारियों को पाँच जगत यानी कि फाइव किंगडम में विभाजित किया। इसमें फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ कवक एंड फाइव एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर टू, एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकोड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा बी कोर्डेटा। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को कोर्डेटा संघ में रखा गया है। इन जंतुओं के जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु मीन्स नोटोकोड अवश्य पाई जाती है तथा मेरुदंड के ऊपर पृष्ठ तल पर खोखली नली के रूप में केंद्रीय तंत्रिका नाल पाई जाती है जो मस्तिष्क से लेकर शरीर के पिछले सिरे तक फैली होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो इसका आंसर होगा बी एसिटेबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए प्रगुहा। भ्रूणीय विकास के दौरान मीजोडर्म अर्थात मिडिल लेयर से आच्छादित शरीर गुहा को वास्तविक देह गुहा या सिलोम कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती हैं उन्हें यूसिलोमेट जंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका आंसर होगा डी नीली वहेल, ब्लू वहेल। नीली वहेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। वहेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है। वहेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से विषम यानी कि अलग विषम मद कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी मत्स्य। मत्स्य मीन्स मीन फिश। वहेल, सुसुक और चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। वहेल एक विशालतम स्तनधारी है। मछली का एयर ब्लेडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा सी सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों। मछली का एयर ब्लेडर सहायक श्वसन अंग, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और द्रव स्थितिक हाइड्रोस्टेटिक दोनों अंगों के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी अफ्रीकी हाथी। भारतीय हाथी की लंबाई 3 मीटर तथा वजन 6 टन से अधिक होता है जबकि अफ्रीकी हाथी की लंबाई 3.45 मीटर तथा वजन 7 टन से अधिक होता है। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे? तो इसका आंसर होगा बी नख रहित पंख यानी कि नाखून रहित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ। आर्कियोप्टेरिक्स में नख रहित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। नंबर 10, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी त्रिकोर्की। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों एक्टोडर्म, मिसोडर्म तथा एंडोडर्म में विभाजित व व्यवस्थित होती हैं उन्हें त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और जिनमें 2 लेयर होती है उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकशेरुकी में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सी पृष्ठरज्जु या नोटोकोड। अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकोड यानी कि पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है जबकि
वर्टिब्रेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो इसका आंसर होगा बी, सदस्यों को चेतावनी संकेत। जब खरगोश को अपने आसपास संकट या खतरे का आभास होता है तब वह अपने पिछले अंगों अर्थात पिछले पैरों से जमीन पर प्रहार करता है। क्वेश्चन नंबर 13, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर होगा ए, जालयुक्त पैर। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में प्रांगुलियाँ यानी कि पंजा आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती है। जालयुक्त पैर द्वारा तैरने में इन्हें मदद मिलती है। कपोतदूत पक्षियों मुख्यतः कबूतरों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला एक स्त्राव है जो दूध के समान होता है। मेनली यह नर कबूतर द्वारा स्त्रावित किया जाता है। 15, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका आंसर है डी, स्तनी में। मैमल्स में डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मिमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचक यानी कि स्तन उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, शब्दनी यानी कि साइरिक्स किसमें वाक्यंत्र है? तो इसका आंसर होगा सी, पक्षी। शब्दनी साइरिक्स पक्षियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कोड निम्न में से किसकी किस्म है? तो इसका आंसर होगा बी, मछली यानी कि फिश। कोड मछली की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 18, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, अंडाशय। पक्षियों में प्रायः बायां अंडाशय ही विकसित होता है जबकि गुर्दा फेफड़ा तथा वर्षण की संख्या दो होती है। पक्षी प्रायः गर्म रुधिर वाला यानी कि हॉट ब्लडेड एक समतापी आइसोथर्मल प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका आंसर होगा बी, लैटिन। 1758 में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीव जातियों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। इसमें दूसरा पद जाति का तथा पहला पद उसके वंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, सरीसृप। सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ सभी सरीसृप अर्थात रिप्टेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग के जंतुओं की त्वचा सूखी तथा खुरदरी होती है तथा इस पर प्रायः होर्नी सलकों का बाह्य कंकाल होता है। ये अंडज अर्थात ओविपैरस होते हैं, मीन्स ये अंडे देते हैं और ये सभी रेंगकर चलने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषरहित है? तो इसका आंसर होगा डी, अजगर। अगर आपको सभी विषैले और विषहीन सर्प याद करने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर ट्रिकी वीडियोस करके देखिए। उसमें विषहीन और विषैले सर्प को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल और ईजी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, मिक्साइन। मिक्साइन जबड़ा रहित यानी कि जालैस जंतु है। यह एक साइक्लोस्टोमेटा वर्ग का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 24, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो इसका आंसर होगा बी, मध्यपट यानी कि डायफार्म के कारण। पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ में मध्यपट यानी कि डायफार्म उपस्थित होता है जबकि पक्षियों में डायफार्म के स्थान पर वायुकोश एयर ब्लेडर पाए जाते हैं।